तो ये बोलना जरूरी है कि बॉलीवुड में हर साल कितने फिल्म रीमेक होते हैं। 2011 में रिलीज हुई स्लीपलेस नाइट मूवी एक फ्रेंच मूवी है। 2015 में ये मूवी तमिल इंडस्ट्री ने रीमेक कर चुका है। तमिल वर्सन में इस फिल्म में लीड एक्टिंग किया था कमल हसन। अब 2023 में हिंदी वर्सन रीमेक होने जा रहे। इस मूवी में लीड एक्टिंग कर रहे शाहिद कपूर और सपोर्टिंग कास्टिंग है डायना पेंटी, रोनित रॉय और संजय कपूर। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसका ट्रेलर कल रिलीज किया। ट्रेलर देख के आपको पूरा फिल्म समझ में आ जाएगा। शाहिद कपूर एक नार्कोटिक्स ऑफिसर है जिसका एक बेटा भी है और उस बेटे को रोनित रॉय ने किडनैप कर लेते हैं और उसी रोज शाहिद कपूर ने एक कोकेन का बैग भी अरेस्ट करते हैं। रोनित रॉय एक्सचेंज मारते हैं शाहिद कपूर से बेटे की बदले कोकेन का बैग, क्योंकि रोनित रॉय को ये बैग भेजना है उनका बॉस संजय कपूर को। अब संजय कपूर को भी ये बैग भेजना है उनका भी एक और बॉस है उस बॉस के पास। तो पूरा फिल्म एक चेन है, मतलब ड्रग का जो चेन है। फिल्म का अंदर एक्शन भरपूर रहेगा जिसका प्रमाण ऑलरेडी ट्रेलर में मिल चुका है। अब क्यों नहीं होंगे एक्शन। फिल्म का डायरेक्टर है अली अब्बास जाफर जिन्होंने भारत सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसे फिल्म को बनाया। बट दुख की बात यही है एक भी मूवी सुपर हिट नहीं हुई। बट एक बात दिल से कहना चाहता हूँ, आज पहली बार कोई ट्रेलर देख के ना हॉलीवुड का फील आया। यस बॉस, पूरा ट्रेलर के अंदर इतना फास्ट कटिंग है ना, देख के आपको लगेगा ये कोई मूवी का ट्रेलर है। फिल्म क्या होंगे वो तो बोल नहीं सकते, बट ट्रेलर देख के ना मजा आया। मतलब जो एस्थेटिक की अगर बात करें ना तो एस्थेटिक देख के मजा आ गया भाई, क्या एडिटिंग है। अब आते हैं असली मुद्दे पे। इस मूवी को देखने के लिए आपका कोई पैसा भी नहीं लगेगा और आपको कहीं बाहर पे भी नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मूवी जियो सिनेमा के अंदर फ्री में आ रहा है। तो आप लोग घर बैठ के इस मूवी को देख पाओगे। अम्बानी ने हम लोगों को इतने दिन फ्री में IPL दिखाया तो मूवी क्यों नहीं देंगे। बट बॉस एक बात हमेशा याद रखना, अम्बानी एक ऐसा इंसान है जिसने कभी भी किसी को एक बूंद पानी भी फ्री में नहीं देते। इसका पीछे भी कोई कारण है, क्योंकि जियो सिनेमा के अंदर लगातार मूवीज और वेब सीरीज आ रहे हैं बट फ्री में, तो इसका पीछे भी कुछ कारण है। जिस तरीके से टेलीकॉम इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया था भाई जियो ने, तो इसका पीछे भी कुछ कारण है, याद रखना। तो बॉस वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।